चलिए अपने एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, ह्यूमन शर्मा से। और ह्यूमन जो है वो आगरा से हैं, और सबसे खास बात है इन्होंने फाइनल ईयर के साथ ही रैंक अचीव किए। तो सबसे पहले बेटा आपको इस रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले आपको, प्रतीक सर को और पूरे इंपीटेंस गुरुकुल टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और एंड माय फैमिली एंड माय ब्रदर स्पेशली, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बिलीव किया कि मैं कर सकता हूँ। वेरी गुड। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, आप आगरा से हो और आपने बीएससी किया हुआ है ना? Yes, तो बीएससी फाइनल ईयर के साथ क्योंकि आपने ये रैंक अचीव किए, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कई बच्चे जो होते हैं वो नहीं कर पाते। और देखिए मैं एक बात अभी सभी को बोल रहा हूँ कि इम्पिटस गुरुकुल ने एक चेंज ला दिया। पहले क्या होता था, बच्चा सोचता था कि जब तक हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, ड्रॉप नहीं लेंगे, कहीं बैठेंगे नहीं कोचिंग में, जब तक नहीं हो सकता। पर आज इम्पिटस गुरुकुल के ऑनलाइन ऑफलाइन हर बच्चे ने रिजल्ट भी दिया, और सबसे अच्छी बात है फाइनल ईयर वाले बच्चों ने अपने घर रह के प्रिपरेशन की और इतनी अच्छी रैंक दी है, बहुत खुशी की बात है। तो ह्यूमन मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो एक्सपीरियंस है ये ऑनलाइन जर्नी के वो भी शेयर करें, और फाइनल ईयर के साथ कैसे मैनेज किया वो भी आप मुझे बताएं। यस सर, मेरी जर्नी इम्पिटस सर लास्ट ईयर मई में स्टार्ट हुआ था। मैंने मई में ऑनलाइन कोर्स लिया था इसका। सर मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अब क्या करूं। घर पर सर फ्री बैठा हुआ था, तो लॉकडाउन में मैंने सोचा क्या कर सकते हैं आगे के लिए। तो मैंने उस समय डिसाइड किया कि निमसेट के बारे में, और जब सर्च किया तो सर आपकी वीडियोस थी न्यू बैच का स्टार्टिंग का, तो मैंने उसमें बिल्कुल वेट नहीं किया, किसी का सजेशन नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट आपको कॉल किया, पूछा क्या कोर्स है, और मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। 2022 के बैच के साथ स्टार्ट हुआ सर हमारा। सबसे पहले उधर सोनू भैया सब सब क्लास में हुआ करते थे, उनके टेस्ट फीस वो भी दी थी सर मैंने। लास्ट में हमारा बैच चेंज हुआ धीरे धीरे करके। शुरुआत में ऐसे क्या होता है सर, अपने से टॉपिक वाइज टेस्ट जो होते हैं आपके सर, उनमें क्या हुआ था कि अलग अलग करके प्रैक्टिस करते, उनमें अच्छे नंबर आते थे। लेकिन जब से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ उस समय एकदम सबके नंबर गिरते हैं सर, क्योंकि टॉपिक वाइज और एक तरीके से पूरा फुल लेंथ टेस्ट में डिफरेंस आता है। बिल्कुल सही। फुल लेंथ टेस्ट यस सर, सबसे पहले आपने दिया था आई थिंक 2020 का एग्जाम दिया था आई थिंक सर, उसमें मेरे 650 के आसपास आ पाए थे, और मैं सोच रहा था कि मेरे इतने कम क्यों आए, बच्चों से 900 नंबर आए थे। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि सर मैंने फर्स्ट टाइम किया था वो, क्योंकि मैंने उससे पहले किए नहीं थे वो। तो धीरे धीरे बढ़ते चले गए, मांगे सब चले गए, फरवरी आया, फिर दोबारा से एग्जाम पोस्टपोन हो गया हमारा जो आने वाला था। फिर दोबारा सर वही सोच रहे कि आप क्या करें एग्जाम, फिर पोस्टपोन, सोचा कि 2020 की तरह अक्टूबर में ना हो जाए दोबारा से, तो इसलिए थोड़ा प्रिपरेशन में भी ढीली पड़ी। और साथ के साथ बीएससी के एग्जाम्स वगैरह भी पोस्टपोन हो चले जा रहे थे, वो भी नहीं हो रहे थे। तो मेरा फिफ्थ सेमेस्टर जो था उसकी एग्जाम की डेट आई थी जुलाई में 13-14 के आसपास हमारे, जुलाई में दोबारा से फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम तो रह गए थे लॉकडाउन के चक्कर में, वो दोबारा हुए थे सर। और इसी के साथ में सर टेस्ट सीरीज भी दे रहा था मैं। टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस धीरे धीरे अपडेट होती जा रही थी, मतलब मैं अगर देखूं तो टेस्ट सीरीज के जितने भी टेस्ट हुए आई थिंक टॉप 10 से मैं आज तक बाहर नहीं हुआ सर। बिल्कुल सही है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आप टॉप 10 में ही आते, पर हो सकता है कि ये जो आपके सेमिस्टर एग्जाम है ये बिल्कुल ही पीक टाइम पे हुए, क्योंकि जुलाई में सेमिस्टर और अगस्त में ये एग्जाम, तो बहुत कम टाइम मिला। हाँ सर, एक और सर जुलाई मेरे 10-11-12 में तो सेमेस्टर गए थे, उसके बाद फाइनल ईयर में आ गया, तो मेरे प्रोजेक्ट सबमिशन बायवा वो जुलाई और 1 अगस्त तक चले थे। उसके बाद साथ और सर मैं उन्हीं बच्चों में था आई थिंक जो ड्रॉप देता इस साल, क्योंकि हमारे जो एग्जाम थे वो 7 तारीख को एक्सपेक्टेड हो गए थे कि 7 तारीख हो सकता है कि हमारा एग्जाम हो जाए बीएससी का। तो मैं सर कॉलेज गया, स्पेशल थैंक्स टू सर मेरे प्रोफेसर जिन्होंने सर मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और उन्होंने डेट चेंज कराई सर। मैंने 9 सितंबर से मेरे 6 सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हुए थे फिर, तो हो सकता था कि शायद मैं इसमें दे ही नहीं पाता NIMCET का एग्जाम सर, ना भी दे पाया। अच्छा ह्यूमन, आपने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत सारे बच्चों के 7 अगस्त को पेपर थे, और मैंने हर बच्चे से इंक्लूडिंग आप भी कि यही बोला था, आप कॉलेज में जाके रिक्वेस्ट करो, हो सकता है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन कर दे वो, और अगर कर दिया तो आपका साल बच जाएगा, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो आप इस बात में लकी रहे आप कि 1 अगस्त के बाद वैसे देखो तो बहुत कम टाइम मिला आपको, पर क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई अच्छी कर ली थी, वो चीज काम आई। अगर वो नहीं होती तो ये 5-6 दिन में आदमी कोई रिकवर नहीं कर सकता था। और एक प्रेशर ये तो आ ही गया था कि 7 अगस्त को पेपर है, वो पोस्टपोन होने के बाद थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आना, तो ये सब चीजें बहुत अच्छा, मतलब मैं चाहूंगा आप अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें बच्चे, क्योंकि जानना चाहते हैं। कई बार जो फाइनल ईयर में होते हैं उनको हमेशा मन में रहता है कि अरे पेपर होगा, दोनों कैसे मैनेज करेंगे, तो उसको आप जरूर बताओ। ये सर अगर मेरा देखें सर, आई थिंक लॉकडाउन का मेरे प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा फायदा हुआ सर। लोग कहते हैं लॉकडाउन में कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन सर मेरी जो रैंक आई है वो लॉकडाउन की वजह से आई है सर, क्योंकि कॉलेज का प्रेशर थोड़ा कम था, मेरे दोस्तों ने भी साथ दिया सर, कॉलेज वगैरह जितने नोट्स वगैरह सब वही प्रोवाइड करते थे मेरे को। तो और आपकी टेस्ट सीरीज से सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर मैं कहूँ कि अगर मुझसे पूछे गाइडेंस बच्चों के लिए, अगर छोटे के लिए, किसी के लिए भी जो इच्छा करने वाले हैं,
सबसे कहूंगा कि अगर सर सर से आप गाइडेंस ले रहे हो ना, आप तो किसी की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सर हम भी आपसे पढ़े हैं और आपकी गाइडेंस के अनुसार ही। और आई थिंक सर मैं उन बच्चों में था जिन्होंने फोन बंद किया सर, एक साल के लिए मैंने अपना फोन स्विच ऑफ रखा था। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ये यही चीज होती, क्या होता है कई बार हम जैसे टीचर्स को फॉलो तो करते हैं पर कुछ बात मानते हैं कुछ नहीं मानते। पर मेरा अनुभव ये है कि जब बच्चे रैंक लाते हैं और जब वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं ये वीडियो भी इसलिए लेता हूं, तो मुझे कई सारी नई चीजें पता चलती है। जैसे आपने बोला आपने एक साल फोन बंद रखा, टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी थी, और आपने वो जब 7 तारीख को पेपर था तो भी एक बार प्रिंसिपल से बात कर ली, HOD से बात कर ली। देखो ये सब चीजें रास्ते निकालना चाहिए। और अगर आपने बात नहीं की होती, मान लेते कि अरे अब तो पेपर है, तो आप पूरा पूरा एक साल पीछे, मतलब एक साल ड्रॉप ही लेना। ये सर ड्रॉप होता सर मेरा। हाँ तो पर ये सब चीजें बड़ी काम आती है। और देखो आपके चेहरे की खुशी ये बता रही है कि आपने इतने कम समय में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज दोगे, क्या गोल्डन वर्ड है आपके? अगर मुझसे अगर पूछे सर, आप जो आप हमेशा सर वही बोलते हो कि सर एक किताब को अगर 4 से 5 बार कर लोगे तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। 4-5 किताब अगर अलग अलग करोगे तो कुछ नहीं होगा बेनिफिट। मैंने सर एक ही किताब की थी, उसी को 4 से 5 बार सोल्व किया था पूरे साल में, तो उसी से पैकेज हुआ था। और सर आपकी तो वीडियोस वगैरह मैथमेटिक्स आप सब पढ़ाते हो, प्रतीक सर कंप्यूटर पढ़ाते हैं, और हमें कुछ ज्यादा जरूरत होती नहीं सर इसमें एक्स्ट्रा। चलो बिल्कुल सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अभी आपको NIT सूरत का अलॉट हुआ है? यस सर। तो अब आपको सूरत कल में जाके भी अच्छा परफॉर्म करना है, और ये अभी स्टार्ट है सक्सेस जर्नी की, अभी ये धीरे धीरे चलती जाएगी। और कहीं ना कहीं जैसे आपने इतने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक लाए हो, तो आप अपने कॉलेज के अपने स्कूल के एक रोल मॉडल होगे, और रोल मॉडल के ऊपर मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप अपने जूनियर्स को जरूर ये गाइड करें कि समय रहते हुए प्रिपरेशन करें, बिल्कुल ना सोचें कि फाइनल ईयर है तो कैसे मैनेज होगा, होता है, अगर करेंगे तो होता है, नहीं करेंगे तो नहीं होता। जैसे आपने एक सबसे अच्छी अभी एक बात बोली कि आपने ज्यादा गाइड को सॉल्व नहीं किया, जो मैं हमेशा बोलता हूँ एक ही बुक को पकड़ा और कई बार कर लिया, तो उससे एक तो प्रेशर नहीं आया, कंसेप्ट बिल्ड हो गए, टेस्ट पेपर बहुत अच्छे से दिए, एनालिसिस किया, तो इन सब चीजों का कहीं ना कहीं फायदा मिला। यस सर। तो ऐसे ही आगे बढ़ो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।